दोस्तों, ये किला बहुत ही पुराना और रहस्यमय है। कहते हैं इस किले में सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता, जो भी जाता है उसके अंदर शैतानी आत्मा प्रवेश कर जाती है। आज मैं ऐसे ही कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें अजय नाम का एक लड़का होता है। अजय इस किले को घूमने आया होता है, किले का दरवाज़ा खोलता है और किले के अंदर प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, ये किला देखने में बहुत ही बड़ा और डरावना है। इसके आसपास में एक भी घर नहीं होते। ये किला पूरी तरह से वीरान था। अब अजय किले के अंदर दीवारों को देखता है और आगे बढ़ते रहता है। अंदर जाने के बाद अजय किले के आंगन में खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसके बाद अजय फिर किले के अंदर की ओर चल पड़ता है और अब अजय किले के दूसरे आंगन में पहुंच जाता है और फिर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इस बात से बेखबर कि उसे कोई देख रहा है। तो दोस्तों, सूरज ढल चुका था और अब अंधेरा होने लगा था और अजय इस किले में अकेला इंसान था जिसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो बिना डरे किले के तहखाने की ओर बढ़ रहा था। इस बात से अनजान के अगले कुछ पल में इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे वो कभी कल्पना नहीं किया होगा। दोस्तों, अब अजय किले की दीवार में चढ़ता है। और देखते हैं कि किले की दीवार के पीछे एक बहुत बड़ी गहरी खाई बनी है। ये देख के अजय नीचे उतर जाता है और किले के अंडरग्राउंड रास्ते की ओर चल पड़ता है। और अब वो सीढ़ी से होकर नीचे उतरने लगता है और पीछे मुड़ के देखता है। शायद उसे भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, पर ऐसा कुछ नहीं था। अब अजय के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर चुकी थी और अब अजय कोई इंसान नहीं, वो भूत बन चुका था।